रचनाकार के योद्धा केवल कल्पना से पैदा हुई कहानी नहीं है। यह सितंबर 2015 के पहले दिन थे। एक मर्मस्पर्शी दृश्य को समाचार मीडिया में प्रसारित किया गया था। नीले रंग के शॉर्ट्स पहने एक लड़के के छोटे शरीर और एक लाल शर्ट द्वारा हिल गया था भूमध्य सागर का पानी। यह थोड़ा आइलैंड कुर्दी था जो अपने माता पिता के साथ जहाज से भाग गया जब वे अपनी भूमि से हिंसा से बच गए थे और छोटे लड़के को दुर्भाग्य से डूबने से मौत हो गई थी। मैंने अपने अनंत हजारों आत्माओं के साथ छोटी आइलैंड के दुर्भाग्य को मिश्रित किया इन जमीनों से गुजरना, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैंने सीखा था कि क्या आनंद लेना है, हंसना और रोना है। मुझे खुशी और राहत मिली है। मैंने कुछ का आनंद भी देखा है और यह भी कि दुनिया का आधा हिस्सा। इसके अलावा मैं कई हजारों लोगों की पीड़ा को देखा है और कुछ का आनंद लिया है। आकाश को देखकर मैंने कई सवाल पूछे हैं लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अपनी खुद की पहल करते हुए मैं सर्वनाश की शुरुआत का गवाह बनना चाहता हूँ। मैं इसमें योगदान करना चाहता हूँ। प्रतिस्पर्धा वार्मिक घटनाओं की थोड़ी सी जानकारी के साथ मैंने उन पात्रों को घसीटा जिन्होंने बाइबल के इतिहास में मिल के पत्थर को चिन्हित किया। मैंने उन्हें दुनिया को बचाने के लिए अपने रास्ते पर स्थापित किया जहां हम रहते हैं। एक दुनिया जिसे पृथ्वी कहा जाता है, जिसे पीटर नाम का एक व्यक्ति कॉल करना चाहता है स्वर्ग। पीटर नाम के व्यक्ति के पास जीवन के बाद एक मौका है। इतने दुर्व्यवहार के चेहरे पर उसकी बेपसी में वे निर्माता के साथ मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। वे इस पर कई सवाल पूछता है, यह केवल जवाब देने का प्रबंधन करता है। इसलिए मैं बातें करो, कोई भी मुझे फटकार नहीं सकता है। नश्वर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसका डिजाइन होगा, इसलिए उसने उन्हें किया और इसलिए यह हमेशा के लिए होगा, क्योंकि वे उनका कानून है। पीटर को जवाब दें। पीटर सहमत नहीं है, आप गलत हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने विषयों से नफरत करते हैं, आप एक अच्छी आत्मा को पीड़ित करते हैं और आप विकृत को खुशी देते हैं। आपके विश्वासी आप पर विश्वास खो रहे हैं, वे निर्माता में विश्वास खो रहे हैं। यह उस रचनाकार के लिए बहुत कम बात है जो केवल अपनी इच्छा को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले व्यक्ति को दंडित करने पर जोर देता है। पीटर नाम का व्यक्ति निर्माता के अनुरोध की अनदेखी करते हुए खुद को पृथ्वी की ओर फेंकता है। उसके साथ एक कार्यकर्ता है, बुराई से छुटकारा दिलाता है। पीटर अकेला नहीं होगा, उसके साथ एंजल्स की एक अनंत तजाओ, क्योंकि निर्माता अपने फैसले से बच नहीं सकता है, अपनी कृपा से उन्हें धमकाता है। गिरे हुए स्वर्गदूतों की एक ही गलती नहीं करने के लिए कहता है, अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाता है कि पीटर का इरादा नहीं है। वे पृथ्वी बनाने के लिए अपनी उत्सुकता में अधिक गंभीर होगा। स्वर्ग अमेज़न बुक स्टोर में उपलब्ध पुस्तक।